ये देखिए कितना ऊपर हम चढ़ चुके हैं। और ये पहाड़ जो है वो एकदम जिंदा पहाड़ है, वहां से पानी निकल रहा है और हम वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और पीछे का व्यू देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि अभी हम कहाँ पे हैं। जी हाँ, अभी हम देवपानी के ब्रिज के ऊपर में हैं और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और पिछले वीडियो हम यहीं से बनाए थे जो कि ग्लेशियर से पानी के बारे में आप लोगों को बताए थे, और आज हम उसी की तरफ जाने वाले हैं और ये देखेंगे कि वो ग्लेशियर पानी कैसे आता है, वो किस तरीके से आता है और कौन कौन से रास्ते से होके आता है। और एक चीज़ जाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ से जो कि है वो चाइना बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है, जिसके वजह से यहाँ पर कंटिन्यू आर्मी की गाड़ियाँ जो की है वो जाती रहती है और आती रहती है। और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ और काफ़ी खूबसूरत नदियाँ हैं, जो कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से हर एक जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारा एक टीम भी है जो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों के बारे में बताएगा और वो जल्द ही आपको एक वीडियो में मिलने वाले हैं। और हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और आइए हम चलते हैं उस तरफ जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो आइए चलते हैं। जय। और आप सभी लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग युवक 15 अगस्त की तैयारी में लगे हुए हैं और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं 15 अगस्त मनाने के लिए। और हम सभी को भी 15 अगस्त मनाने के लिए सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी आपने देखा यहाँ पर युवाओं में 15 अगस्त के लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और ऐसे ही उत्साह हम सभी को भी रहना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं नदी की तरफ। ये रहा वो दोनों रिवर जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। पिछले वीडियो में हम यहीं तक सिर्फ आ पाए थे और इस बार हम इस नदी के रास्ते से होते हुए हमें जाना है उस तरफ जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो आइए चलते हैं। जो पानी है जो लगता है ये बहुत दूर से आता है। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत पहाड़ जो कि काफ़ी चढ़ानी वाला है। हम अभी जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा एकदम खड़ा पहाड़ है और उधर साइड में शायद पहाड़ जो है टूट के साथ गिरा है। और हम अभी चलते हैं उसी तरफ और फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर जो पत्थर जो है टूट के गिरा है ऊपर पहाड़ के ऊपर से। और ये जो पत्थर जो गिरता है वो बारिश की वजह से गिरता है। और अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए एकदम खूबसूरती से भरा हुआ ये नेचर से एकदम खतरनाक पहाड़। आइए चलते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर जो है वो टूट टूट कर नीचे गिर गया है, इतने सारे पत्थर। और अभी हम थोड़ा इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पर कैसा फीलिंग आता है, कहीं ये सारा पहाड़ नीचे ढह ना जाए, डर भी लगता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू, ये है खूबसूरती से भरा हुआ एकदम ताज़ा व्यू। ये देखिए कितना ऊपर हम चढ़ चुके हैं। और ये पहाड़ जो है वो एकदम जिंदा पहाड़ है, वहाँ से पानी निकल रहा है और हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए एकदम जिंदा पहाड़,
और उसके साइड से पानी निकल रहा है। हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हम अभी बहुत ऊंचे चढ़ चुके हैं ऊपर, अभी हम आपको थोड़ा दिखाते हैं। और ये देखिए पहाड़ों के ऊपर से पानी निकल रहा है, एकदम जिंदा पहाड़। पानी जो है वो नीचे की तरफ गिर के सीधे डायरेक्ट उस नदी में मिल रहा है। अब मुझे लगता है इसके ऊपर मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई और वहाँ से डायरेक्ट मैं नीचे गिरूँगा इस तरफ। एकदम ढलानी वाला रास्ता है। ये पहाड़ को देखिए, इसके अंदर में मिट्टी भरा पड़ा है, शायद इसी के कारण यहाँ पर जब भी बारिश होता है तो ये पहाड़ जो है वो ढहने लगते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो सभी जगह मिट्टी भरे पड़े हुए हैं इस पहाड़ के अंदर में। ये एक खोखला पहाड़ है जिसके अंदर से पानी निकल रहा है। देखिए ये देखिए एकदम ताज़ा पानी भी आ रहा है यहाँ से। आपको हम थोड़ा और दूर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर का मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि बारिश जल्द ही आने वाला है। और अभी हम बहुत ज़्यादा दूरी पे आ चुके हैं और यहाँ का मौसम भी ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही बारिश आएगा। और बारिश आने से पहले हमको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जब बारिश आएगा तो यहाँ पर जो है वो इस ऊपर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।